गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम बीएससी पार्ट प्रथम के सेकंड पेपर के कोशिकाओं के बारे में पढ़ रहे थे और इससे पूर्व भी अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था और आज अपन पढ़ेंगे गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी या गोल्जी पैक के बारे में पढ़ेंगे। तो जो गोल्जी का है सर्वप्रथम 1898 में गोल्जी का सर्वप्रथम 1898 में कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने तंत्रिका कोशिकाओं पर अध्ययन किया तथा इन्होंने सिल्वर इम्प्रेग्नेशन विधि द्वारा कोशिकाओं की सिल्वर इम्प्रेग्नेशन कोशिकाओं में सिल्वर इम्प्रेग्नेशन विधि द्वारा कैमिलो गोल्जी का या कोशिकाओं का अध्ययन किया और इसका नाम एपरेटो रेटिकुलेटा इंटरना नाम दिया। सर्वप्रथम क्या किया 1898 में कैमिलो गोल्जी ने तंत्रिका कोशिकाओं में सिल्वर इम्प्रेग्नेशन द्वारा एक जालिका का संरचना का अध्ययन किया और जिसका नाम रेटिकुलो एपरेटो रेटिकुलेटा इंटरना नाम दिया। बाद में क्या हुआ, इस जालिकाबद्ध संरचना का इसके खोजकर्ता के नाम पर ही इसका नाम कैमिलो गोल्जी या कैमिलो गोल्जी के नाम पर ही इसका नाम गोल्जी बॉडी दे दिया गया। इसके बाद बहुत सारे वर्षों तक गोल्जी का एक विवादास्पद कोशिका बना रहा, लेकिन इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आने के बाद जब इस कोशिका का अध्ययन हुआ तो ये विवाद दूर हुआ। जब अपन इसकी संख्या की बात करें, प्रत्येक कोशिका में अगर गोल्जी का एक संख्या की अपन बात करें, नंबर की अपन बात करें, तो प्रत्येक कोशिका में लगभग एक कोशिका पाया जाता है। अगर दूसरी किसी कोशिका की बात करें जो कार्यात्मक रूप से अधिक सक्षम होती है, अधिक कार्य करती है, सीक्रेटरी फंक्शन अधिक करती है, जैसे कि लीवर सेल्स होती है, प्लांट सेल्स होती है और नर्व सेल्स होती है, लीवर प्लांट सेल्स और नर्व सेल्स, इनमें एक से अधिक संख्या में भी गोल्जी बॉडी पाए जा सकते हैं। अगर गोल्जी काय की आकृति परिमाप और स्थिति के बारे में अगर बात करें, गोल्जी काय की आकृति परिमाप और स्थिति के बारे में बात करें तो ये सामने आता है कि वे कोशिकाएं जो कार्यात्मक रूप से या अधिक कार्य करती है उसमें गोल्जीकाएं बड़ी आकृति का पाया जाता है, उसकी आकृति बड़ी होती है और अधिक कार्य करती है, सिग्नेचर फंक्शन अधिक करती है। स्थिति के बारे में अगर बात करें तो ये जो स्थिति होती है, मेनली जो गोल्जीकाएं होता है वो केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में ही स्थित होता है। इसकी जो सिस फेस, इसमें जो पोलैरिटी होती है, इसकी सिस फेस न्यूक्लियस के पास में होती है और इसकी जो ट्रांसफेस होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में होती है। अब जो इसकी जो आकृति होती है, गोल्जी काय की आकृति होती है वर्ताकार प्रस्तरनुमा या डिस्कनुमा होती है और इसकी जो सिस्टमिक होती है वो एक स्टैक्स के रूप में होती है। तो ये तो इसकी आकृति परिमाप और स्थिति के बारे में बात हुई और इसकी संख्या जो गोल्जी काय की संख्या होती है प्रत्येक कोशिका में एक गोल्जी काय पाया जाता है। अपास कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जो कार्यात्मक रूप से अधिक सक्षम होती है, अधिक कार्य करती है, उनमें इससे अधिक गोल्जीकाएं भी पाई जाती है। अब इसकी जो परा संरचना की अपन बात करें, स्ट्रक्चर की अपन बात करें, अगर परा संरचना की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्म दृष्टि है उसके द्वारा इस कोशिका का अध्ययन किया गया और कोशिका का अध्ययन करने पर इसमें तीन प्रकार की संरचनाएं दिखाई दी। पहली होती है सिस्टर्निक, दूसरी स्मॉल मैक्रोवेसिकल और तीसरी लार्ज वेसिकल। तो इसकी संरचना के बारे में बात करें तो गोल्जी काय की संरचना लगभग कुछ कुछ ऐसे सी होती है। तो सर्वप्रथम अगर अपन सिस्टर्निक की बात करें तो प्रत्येक कोशिका में
कोशिका के प्रत्येक कोशिका के गोलचिकाएं में मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर सिस्टम ही पाई जाती है। प्रत्येक गोलचिका में मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर सिस्टम ही पाई जाती है और प्रत्येक गोलचिका में इन सिस्टम की संख्या होती है वो 3 से 7 तक नंबर में सिस्टम पाई जाती है। 3 से 7 नंबर में सिस्टम पाई जाती है। प्रत्येक सिस्टम में कलायुक्त होती है और दो सिस्टम के बीच का जो स्पेस होता है दो सिस्टम के जो बीच का स्पेस होता है वो 20 से 30 नैनोमीटर का होता है। प्रत्येक जो सिस्टम होती है वो कलायुक्त होती है और प्रत्येक सिस्टम के जो बीच का अवकाश होता है वो 20 से 30 नैनोमीटर का होता है। अब जो गोलचिका में जो सिस्टम होती है 3 से 7 होती है वो एक स्टैक के रूप में होती है, एक स्टैक के रूप में होती है। तो यहाँ पे ये जो ट्यूबुलर मेम्ब्रेनस संरचना होती है वो सिस्टर्निंग होती है। ये जो सिस्टर्निंग होती है वो एक समांतर क्रम में व्यवस्थित होती है और एक स्टैक्स जैसे कॉइंस का जो स्टैक्स होता है उसके जैसे बनी हुई होती है संरचना है। तो पादप जो कोशिकाएं होती है उन पादप कोशिकाओं में इन सिस्टम के स्टैक्स को एक अन्य नाम से जाना जाता है और उसको बोला जाता है डिप्टियोसोम। पादप कोशिकाओं में सिस्टम के स्टैक्स को डिप्टियोसोम नाम से जाना जाता है। अब सिस्टम की जो व्यवस्था होती है गोल्जी बॉडी या कोशिका में जो सिस्टम व्यवस्थित होती है स्टैक्स के रूप में इसकी वजह से इसमें पोलैरिटी आ जाती है। पोलैरिटी में इसके सिस्टम के सिस और ट्रांसफेस होते हैं तो इसमें दो प्रकार की पोलैरिटी होती है। तो इसकी दो सतह होती है एक तो उत्तल सतह और एक अवतल सतह कॉन्वेक्स और एंड कॉनकेव। तो सिस्टम में इसकी व्यवस्था या स्टैक्स के रूप में पाए जाने की वजह से इसमें दो प्रकार के तल होते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव तो जो इस सिस्टम का जो कॉन्वेक्स जो सतह होती है ये कॉन्वेक्स जो सतह होती है वो न्यूक्लियस की तरफ होती है कोशिका में न्यूक्लियस की तरफ होती है और इस सतह को सिस फेस कहा जाता है। सिस फेस सिस्टम की वो सतह है जो न्यूक्लियस की तरफ होती है और कॉन्वेक्स आकृति में बनी होती है उसे सिस फेस कहा जाता है और दूसरी सतह जो कॉनकेव सिस्टम गोल्जी कहते हैं दूसरी सतह जो होती है वो कॉन्वेक्स तरह की होती है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है और इसको बोला जाता है पार्श्व सतह ट्रांसफेस। इसको कहा जाता है ट्रांसफेस। तो इस प्रकार से गोल्जी कांड में दो प्रकार की पोलैरिटी होती है। इस प्रकार से इसमें गोल्जी कांड में सिस और ट्रांस पोलैरिटी पाई जाती है। सिस और ट्रांस पोलैरिटी पाई जाती है। इसकी जो सिस सरफेस होती है गोल्जी कांड की जो सिस सरफेस होती है जैसे ये जो सतह होती है वो न्यूक्लियस की तरफ होती है इसको सिस फेस बोलते हैं और ये जो सतह होती है कॉनकेव होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है इसको ट्रांस फेस बोला जाता है। ये जो सिस सरफेस होती है इस सिस सरफेस से सिस फेस से या सिस सरफेस से कुछ छोटे छोटे आसे जुड़ते रहते हैं कुछ वेसिकल्स जो आकार आकृति छोटे होते हैं वो जुड़ते रहते हैं। ये जो वेसिकल्स होते हैं इन वेसिकल्स को ट्रांजिशनल वेसिकल बोला जाता है
क्योंकि ये जो ट्रांजिशनल वेसिकल्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निर्मित होते रहते हैं और गोल्जी कार्ड की सिस्टेस की तरह जाते हैं और गोल्जी कार्ड की सिस्टेस से जुड़ते जाते हैं। दूसरी जो गोल्जी कार्ड की जो फेस होती है वो होती है ट्रांस फेस होती है, वो निर्मित फेस कहलाती है। और इससे जो ट्रांस फेस से जो वेसिकल्स निर्मित होती है वो वेसिकल्स होती है सीक्रेटरी वेसिकल, सीक्रेटरी वेसिकल्स होती है। ठीक है, ये तो हो गई सिस्टम की बात। अब ये जो गोल्जी वॉल है इसमें दूसरी संरचना होती है वो होती है स्मार्ट वेसिकल्स। नेक्स्ट जो इसकी स्मॉल वेसिकल्स ये बहुत छोटी होती है और इसका व्यास होता है 50 से 60 माइक्रोमीटर व्यास की होती है, जो गोल्जी वॉल से जुड़ी हुई रहती है। ये दो प्रकार की होती है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सिस फेस के बीच में पाई जाती है उन्हें ट्रांजिशनल वेसिकल्स के रूप में जाना जाता है, और जो ट्रांस फेस से होकर निर्मित होती है वो सीक्रेटरी वेसिकल्स के नाम से इनको जाना जाता है। दूसरी प्रकार, तीसरी प्रकार की जो वेसिकल्स होती है वो होती है लार्ज वेसिकल्स। लार्ज वेसिकल्स सामान्यतः उन कोशिकाओं में पाई जाती है जो अधिक सीक्रेशन का काम करती है। उन कोशिकाओं में जो पदार्थ होते हैं वो लार्ज वेसिकल्स के रूप में, सीक्रेटरी वेसिकल्स के रूप में निर्मित होते हैं अपने ट्रांस फेस की तरफ, यही ट्रांस फेस की तरफ भी पाई जाती है। अब इन लार्ज वेसिकल में कुछ कंडेंस लिक्विड्स भी पाए जाते हैं, कंडेंस भी पाई जाती है। इन कंडेंस संघनित रिक्तिकाओं में सीक्रेटरी पदार्थ भरे रहते हैं जो सीक्रेटरी वेसिकल से लार्ज वेसिकल से निर्मुक्त होते रहते हैं। तो ये संरचना हुई। अब ये जो गोल्जी बॉडी होती है इसमें दो प्रकार की पोलरिटी पाई जाती है, एक तो संरचनात्मक पोलरिटी और एक बायोकेमिकल पोलरिटी। एक तो स्ट्रक्चरल पोलरिटी और सेकेंड है बायोकेमिकल पोलरिटी। ये जो स्ट्रक्चरल जो पोलरिटी संरचनात्मक जो पोलरिटी होती है वो इसकी सिस और ट्रांस फेस की वजह से होती है, जो इसकी संरचना की वजह से होती है। तो जो स्ट्रक्चरल जो पोलरिटी होती है एक तो होती है सिस फेस और दूसरी होती है ट्रांस फेस। दूसरी जो पोलरिटी होती है वो बायोकेमिकल पोलरिटी होती है, जो जैव रासायनिक पोलरिटी होती है। होता क्या है, जो इसके जो सिस और ट्रांस फेस होती है उस फेस में, दोनों फेस में अलग अलग प्रकार के बायोकेमिकल्स पाए जाते हैं, सिस में अलग और ट्रांस में अलग। जैसे कि अपन इसकी सिस्टम की जो मेम्ब्रेन की बात करते हैं, वो सिस्टम ही जो सिस फेस की तरफ पाई जाती है, उन सिस्टम की जो मेम्ब्रेन होती है वो पतली होती है और एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है उसके समान होती है। लेकिन जैसे ही अपन ट्रांस फेस की तरफ पाई जाने वाली सिस्टम की अपन बात करते हैं तो उस सिस्टम में क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है वो मोटी होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान मेम्ब्रेन पाई जाती है। दूसरा यह होता है कि इसका जो सिस फेस होता है, सिस फेस में जो पदार्थ होता है वो होता है थायमिन पाइरोफॉस्फेट पाया जाता है, थायमिन पाइरोफॉस्फेट पाया जाता है। और जो ट्रांस फेस में पाया जाने वाला जो थायमिन पदार्थ होता है वो एसिड फॉस्फेट है, सॉरी इसमें थायमिन फॉस्फेट है। दूसरा बायोकेमिकल पोलरिटी यह होती है कि इसमें
उसका स्टेनिंग प्रोसेस होता है, स्टेनिंग भी डिफरेंट डिफरेंट पदार्थों द्वारा होता है। जैसे इसका जो सिस फेस होता है वो अलग पदार्थ स्टेन होता है और जो ट्रांस फेस होता है वो अलग पदार्थ स्टेन होता है। सिस जो फेस होता है वो इसका ऑस्मियम से अधिक है, ऑस्मियम से अधिक डार्क स्टेन होता है, बल्कि जो ट्रांस फेस होता है वो आयोडीन मिथाइल एलिन से अधिक स्टेन होता है। तो ये गोल्जी काय की संरचना, इसकी संख्या और इसकी आकृति के बारे में अपन बात की। नेक्स्ट है इसके फंक्शन, गोल्जी काय के फंक्शन। जो गोल्जी काय का मेन फंक्शन है वो है सीक्रेशन, इस प्रमाण गोल्जी काय का मुख्य कार्य स्त्रवण होता है या सीक्रेशन होता है पदार्थों का स्रावण। जैसे कि प्राक्सिसोम, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ पदार्थ होते हैं, उनका स्त्रवण गोल्जी काय द्वारा ही होता है। अगर अपन इसकी स्टडी करें तो कारो एंड अन्य साइंटिस्ट ने अग्नाशय की ऐसी कोशिकाओं में पाया गया, उन्होंने प्रोटीन के बारे में अध्ययन किया और इनका रेडियो एक्टिविटी अध्ययन किया। तो अग्नाशय की जो ऐसी कोशिकाओं में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाने वाले राइबोसोम में होता है। जैसे ही राइबोसोम में उस प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ह्यूमन के अंदर चली जाती है। जैसे ही ह्यूमन के अंदर चली जाती है, ये ट्रांजिशनल वेसिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रोटीन ट्रांजिशनल वेसिकल में पैक हो जाती है। और ये वेसिकल जो होती है ट्रांजिशनल वेसिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निर्मुक्त हो जाती है। जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निर्मुक्त हुई, ये गोल्जी एपरेटस की सिस फेस से जुड़ जाती है, सिस फेस से ऐड हो जाती है और ये सिस्टर्मी से होती हुई ट्रांस फेस के द्वारा सीक्रेटरी वेसिकल द्वारा बाहर निर्मुक्त कर दी जाती है। तो मेन जो फंक्शन है गोल्जी काय का वो है सीक्रेशन। नेक्स्ट इसका फंक्शन है वो है मॉलिक्यूलर प्रोसेसिंग। मॉलिक्यूलर प्रोसेसिंग, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रिक फेज में सीक्रेट होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग गोल्जी एपरेटस में होती है। जैसे कि इंसुलिन एमिनो एसिड का बनावा होता है, जैसे ही आगे आगे इंसुलिन बनता है, इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, वो प्रो इंसुलिन के रूप में होती है और इनएक्टिव होती है। जैसे इसकी पैकेजिंग ट्रांजिशनल वेसिकल में होती है और इसी स्पेस से जुड़ती है और सिस्टम में से होती है ट्रांसफर से बाहर निकाल दी जाती है, वैसे ही क्या होता है सिस्टम में एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम द्वारा इस इनएक्टिव फेज को एक्टिव में बदला जाता है और सिस्टम में वो एंजाइम होता है कन्वर्टिंग एंजाइम द्वारा इस इनएक्टिव फेज को एक्टिव फेज में बदला जाता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है इसका, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण। अब जो प्रोटीन का जो ग्लाइकोसाइलेशन होता है या प्रोटीन द्वारा ग्लाइकोलिपिड जो बनता है उसका निर्माण भी गोल्जी एपरेटस में होता है और इसके लिए इसमें गोल्जी एपरेटस में एक एंजाइम होता है, इसका उसका नाम है ग्लाइकोसिल ट्रांसफर। नेक्स्ट इसका वर्क जो है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का निर्माण भी गोल्जी एपरेटस द्वारा ही होता है। जैसे ही सीक्रेटरी वेसिकल निकलती है गोल्जी एपरेटस के ट्रांसफर द्वारा, वो प्राइमरी लाइसोसोम होता है।
क्योंकि इसमें जो लाइसोसोम में जल अभिमुख जो एंजाइम पाए जाते हैं, वाइटर हाइड्रोलिसिस के जो एंजाइम पाए जाते हैं, वो गोल्जी एपरेटस की सिस्टोलिक द्वारा ही सीक्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है एक्ट्रोसोम फॉर्मेशन। स्पर्म के एक्ट्रोसोम का निर्माण भी जो न्यूक्लियस से आगे होता है स्पर्म में, स्पर्म के एक्ट्रोसोम का निर्माण भी गोल्जी बॉडी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो काम है इसका फॉस्फेट संतुलन। जो कार्बोहाइड्रेट का फॉस्फोराइलेशन होता है वो गोल्जी एपरेटस द्वारा ही यहां गोल्जी बॉडी में इसके फॉस्फेट जुड़ता है। नेक्स्ट है सेलवॉल फॉर्मेशन। प्लांट सेल में सेल डिवीजन के दौरान उसकी जो सेलवॉल बनती है वो जो सेल प्लेट के रूप में बनती है वो गोल्जी एपरेटस के द्वारा ही बनाई जाती है।